राजनीति का पर्यायवाची ही हो गया और राजनेता का पर्यायवाची ही हो गया है, धोखा फरेब, जो जितना ज्यादा झूठ बोल सके और जितनी सफाई से बोल सके वो उतना बड़ा नेता है। सिर्फ अवसरबाजिता की राजनीति हो रही है, जहां मोदी जी को अपने हिसाब से लगता है, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके बोलते हैं, तेजस्वी जी को जहां लगता है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बोलते हैं। नेता जो है ना मैम, आज के समाज में एक गाली का पर्यायवाची हो गया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। आपने वो गाना सुना है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसका नया वर्जन जो है आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गाया है। ये गाना उन्होंने क्यों गाया है हम आपको बताएंगे, लेकिन वो नया गाना क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि दरअसल आज तेजस्वी यादव ने गाना गाया है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे जनता रूठ गई तो तुम हाथ मलोगे। इसका सीधा सीधा कहना ये है कि मोदी जी आप धोखेबाज है, ऐसा करेंगे तो जनता रूठ जाएगी और जनता रूठ गई तो फिर आपको भारी पड़ जाएगा। हम जनता से इस विषय में जान लेते हैं जो गाने के बोल है। गाने के बोल से मोदी जी कितना रिलेट करते हैं आप लोग बताइए। कहाँ से है? पटना से। अच्छा, नाम क्या हुआ? केशव कुमार। अच्छा, आज तेजस्वी यादव ने गाना गाया है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, वादा करके भाग जाते हो, और ये गाना जो है प्रधानमंत्री मोदी पर गाया है और कहा है कि मोदी जी बेवफा है, मोदी जी जो है धोखेबाज। क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी धोखेबाज नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने बहुत सा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, 370 हटाया है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी कह रहे हैं जो सही है। हाँ, कुछ मायने में उनका जरूर है कि रोजगार उन्होंने जितना वादा किया था उतना रोजगार नहीं दिया है, बाकी और सब मायने में ठीक है। भारत का नाम विदेशों में रोशन हो रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, तो वादा करके जो गाना है कि वादा करके भाग जाते हो, जनता रूठ जाएगी इस बार क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार जनता नहीं उठेगी। नहीं। चाचा, आपको क्या लगता है, जनता उठेगी इस बार? देखिए, रूठना तो चाहिए। मोदी जी धोखेबाज है? धोखेबाज नहीं कहेंगे, ऐसा बात नहीं, तब है से कुछ भूल जाते हैं। चलिए, आप लोग आइए, आप लोग युवा है, भाग कर रहे हैं, आइए आइए आइए। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी क्या धोखेबाज आज गाना गाया है तेजस्वी यादव ने? मोदी जी ही नहीं, राजनीति का पर्यायवाची ही हो गया और राजनेता का पर्यायवाची ही हो गया है, धोखा फरेब, जो जितना ज्यादा झूठ बोल सके और जितनी सफाई से बोल सके वो उतना बड़ा नेता है। हिंदुस्तान का कोई भी नेता हो, राजनीति में नैतिकता और सुचिता खत्म हो गई है। सिर्फ अवसरबाजिता की राजनीति हो रही है, जहां मोदी जी को अपने हिसाब से लगता है, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके बोलते हैं, तेजस्वी जी को जहां लगता है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बोलते हैं। नेता जो है ना मैम, आज के समाज में एक गाली का पर्यायवाची हो गया है। गाली का पर्यायवाची जी, एक तरह से एक आज के समय में गाली का एक पर्यायवाची हो गया है नेता शब्द। आप फिल्मों में देखते हैं ना, नेता के ऊपर इतना कमेंट्स आता है, पार्लियामेंट को लेकर इतना कमेंट्स आता है, किसी भी नेता को देखें आज तक अपोज करते हुए मंच पे, जब कभी सम्मेलन होता है किसी भी मंच पे, राजनेता नीचे बैठते हैं और जो मंचासीन कवि रहते हैं या कोई भी जो मंचासीन रहते हैं उनके ऊपर खुलेआम कमेंट्स करते हैं, और कोई भी अपोज किया कि इन्होंने किसी नेता ने अपोज किया कि नहीं, ये जो आप राजनेता के बारे में बोल रहे हैं ये चीज़ गलत है, तो नेता भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये स्वीकार कर चुके हैं कि हम में ये गिरावट आई है। अच्छा। और नेता ही नहीं, पूरे समाज में गिरावट है, नेता भी तो समाज के हिस्सा है, पत्रकारिता में गिरावट है। अच्छा। सब जगह गिरावट है। फिलहाल तेजस्वी यादव की बात कर लेते, तेजस्वी यादव के गाने पर आपका क्या कहना है? अब चुनाव का दौर है तो सेंसेशन तो हर किसी को चाहिए ना, तो अब ये जो तेजस्वी यादव गाना गाए हैं इसे कुछ दिन वो भी ट्रेंड में रहेंगे। अच्छा। थोड़ा पॉपुलैरिटी होगी। अब जो भाषण वगैरह चल रहा है ना, तो उसमें गंभीर बातें खत्म हो गई है। अच्छा। अब गंभीर बातें करने वाले नेता खत्म हो गए हैं। अब गंभीरता नहीं, अब चुटकुलों वाले नेता का दौर है, जो जितना अच्छा चुटकुला कर सकता है वो उतना बड़ा मंच का नेता है। आप बताइए, क्या मोदी जी धोखेबाज है? ऐसा कोई बात नहीं है, धोखेबाज है। आज तो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गाना गाकर संबोधित किया है। अभी क्या बोलेंगे, अभी हो सकता है। अच्छा। हो भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। मोदी जी अपने हिसाब से बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी अपने हिसाब से बोलते हैं। कहीं है
कि जनता रुट गई तो हाथ मलना पड़ जाएगा, हो ही सकता है जनता रुट जाएगी, रुट सकती है। अच्छा, ये तंत्र लोक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तब इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को आपने देखा, 10 साल चलाने के बाद में धराशाही हो गया, आने वाले समय में भी देख लीजिए तो ये भी धराशाही हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है, एकदम खुले आप। अच्छा, चलिए चाचा आप बताइए कि क्या मोदी जी धोखेबाज है? यादव ने कहा है, हमें घर नजर में धोखेबाज तो नहीं लग रहा है, बहुत जी आया है। अच्छा, बहुत किए हैं? बहुत किए हैं। क्या क्या किए हैं? बस राशन पाजा में जो मैं गरीब को बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा, आज तो तेजस्वी यादव गाना गाए हैं, कहे हैं कि जनता रुट गई ना, वो सब अपना अपना डकैती वाला काम करता है, डकैती वाला काम करता है। हमने कहा कोई गरीब को देखने वाला नहीं है, गरीब को कोई नहीं देखता है, जो बड़े आदमी को देखता है। तो आपके अनुसार कौन सा नेता ऐसा है जो देखे? अभी जो मोदी जी जो है, मोदी जी के हम लोग खा रहे हैं, आपको गुण गा रहे हैं। अच्छा, वो किसी को नहीं जानते हम लोग। आप लोग बताइए, आप बताइए कि गाना जो सुना है आपने आज तेजस्वी यादव का, गाना क्या, गाने से मोदी जी का व्यक्तित्व मिल रहा है? क्या मोदी जी धोखेबाज है? क्या जनता रुट जाएगी इस बार? वो तो अपना अपना नेता के भाषण है। अच्छा, अपना अपना देते रहते हैं। जनता क्या सोचती है? मोदी जी भी अपना देते रहते हैं, ये भी अपना देते हैं। जनता तो खुद समझदार है, देख रहा है। अच्छा, सब देख ही रहा है जनता। अच्छा, तो जनता क्या इस बार उठेगी? वो तो बाद में बताया जाएगा, अभी अंदाजा कैसे लगाइएगा? अच्छा, है ना, वोटिंग के बाद नहीं बताएगा। आप लोग आइए, इधर आइए, आप बताइए क्या मोदी जी धोखेबाज है? गाना सुनाई दीजिए तेजस्वी यादव। बिल्कुल, एक मिनट माइक दे दीजिए। मोदी जी धोखेबाज नहीं है, आप खुद ही बताइए, देश किसके हाथों में सुरक्षित है? आप सबसे सवाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मेरे से सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा। बिहार किसके हाथों में सुरक्षित है बताइए? आप बताइए, आप जनता है, वोट देते हैं। वोट मैं तो वोट नहीं देता, वो भी वोट नहीं देते हैं। नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता, देश किसके हाथों में सुरक्षित है? अभी बताइए, हर सरकार पहले अपने को देखती है, उसके बाद ही किसी को देखती है। और जितने भी उच्च वर्ग है उसको तो उच्च कर ही रही है, और गरीब है वो उनको भी ऊपर कर रही है। जो प्रॉब्लम हो रही है वो मिडिल क्लास के साथ है मैम। तो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो मिडिल क्लास को कुछ नहीं करती है, बस वो लो को सपोर्ट कर रही है। और हाई तो पहले से ही हाई है, तेजस्वी हो, कोई भी हो, मोदी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, मोदी जी का यही फायदा है, आने के बाद यही है कि जनता को बहुत ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं। जो सरकार दूरदर्शी सरकार है, जो अभी भारत की जो अभी सरकार है वो बहुत दूरदर्शी सरकार है, ऐसी सरकार अभी आई नहीं थी। इस सरकार की जो नीति है वो 50 साल आगे तक है, इतनी अभी तक किसी में इतनी सक्षमता नहीं है कि वो 50 साल आगे तक सोच सके। इसी के कारण मोदी जी की सरकार अभी बेहतर सरकार है, और आने वाले समय में और भी उभर करके आएगी। ऐसा तो कहा जा रहा है बिहार में जो गठबंधन है, महागठबंधन की बात कर लेते हैं, कि एनडीए से जो है बिहार सहित पूरे देश से उखाड़ फेंक रहा है। अरे ऐसा होने नहीं जा रहा है। देख लीजिए, आप अभी गांधी मैदान में आकर के ये सवाल पूछ रहे हैं, अब चुनाव के बाद भी आपको मैं यही मिलूंगा, आप आकर के देख लीजिएगा कि किसकी सरकार होती है। अच्छा, मतलब एकदम बता दिया है कि मोदी ही आएंगे। बिल्कुल, मोदी ही आएंगे। चलिए आज मोदी जी पे बात करते हैं। गाना तेजस्वी यादव ने गाना गाया है, गाना मैं बता देती हूँ। गाना ये है कि रोज रोज तुम ऐसा करोगे जनता रुट जाएगी तो हाथ मलना पड़ जाएगा। धोखेबाज बताया है मोदी जी, क्या मोदी जी धोखेबाज है? हो सकते हैं, क्या दिक्कत? अच्छा, है क्या दिक्कत है? हाँ, धोखेबाज हो सकते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स, है ना। तो तेजस्वी यादव का ये गाना जो है, बोल सही है? गाना का बोल सही है, क्योंकि अभी भोजपुर में जो गाना बन रहा है वो कितना सुंदर सुंदर गाना है, तो इस पर कहाँ कुछ हो रहा है। और उसी पर हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छी तरह से डांस करते हैं, नाचते हैं, और अगर कोई क्लासिकल या कोई अच्छा गाना गाता है तो उसको नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि बच्चे के माँ बाप भी उस गाना को पसंद नहीं करते हैं। किसको? जो बेस्ट है, जो क्लासिकल बेस्ट है, उसको बच्चे के माँ बाप भी पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई शिक्षक के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, गाना सीखने के लिए, है ना, तो वहाँ जब जाते हैं वो, तो उसकी माँ भी चाहती है कि उसकी कॉपी जो है भरी हुई हो नए नए गानों से। डांस जो है, डांस ओरिजिनल डांस जो होता है वो भी सिखलाने की कोशिश नहीं करते हैं। पटने में बहुत से मशहूर लोग हैं डांस सिखाने वाले, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, वहाँ देखिए उनके पास कोई विद्यार्थी नहीं है। तेजस्वी यादव के इस गाने को लेकर आपके क्या ख्याल है?
ठीक है, गाना कोई भी गा सकता है आदमी, गाने में क्या दिक्कत है, है ना? आप बताइए, वोट देते हैं? नहीं अभी तो नहीं देते हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ? मीशू कुमार। यही पटना से ही है? हाँ, कंकड़। अच्छा, तेजस्वी यादव का आज का गाना सुना है? नहीं आज का तो नहीं सुने है। अच्छा, उन्होंने वो गाना आपने तो सुना होगा कि तुम रोज रोज ऐसा करोगे हम रुट जाएंगे, तो आए बरोग सुना ही होगा। आज मोदी जी के लिए डेडिकेट किया है कि धोखेबाज हो, और अगर रोज रोज ऐसा करेंगे मोदी जी तो जनता नाराज हो जाएगी, फिर हाथ मलना पड़ जाएगा। इस पे आप क्या सोचते हैं? अब वो भाई नेता है तो उनके बारे में हम क्या बोले। तेजस्वी यादव ने आज एक गाना गाया है मोदी जी को लेकर, और कहा, और अच्छा नहीं दिखा तो हम सुना देते हैं आपको। अच्छा तो हम सुना देते हैं कि बोले हैं कि रोज रोज मोदी जी अगर ऐसा करेंगे जनता रुट जाएगी, फिर हाथ धोना पड़ जाएगा। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? सुने ही नहीं है तो क्या बोले, आप बताइए, आप सुने ना? हाँ, तो जनता क्या सोचती है, क्या मोदी जी धोखेबाज है? नहीं ऐसा कोई बोल दिया। तेजस्वी यादव आज गाना गाए हैं। गाए हैं ना, कोई मतलब थोड़ी ना, गाना गाने से कोई फायदा है क्या उनको? कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। अब कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार तो खाड़ फेंकेंगे, कुछ नहीं होने वाला उनसे। अच्छा, कुछ नहीं, कितना भी गाना गा ले कुछ नहीं होगा, एनडीए बस, वो फायदा ही नहीं है। विधानसभा में उतना सीट जीता, लोकसभा में जीतेगा? अच्छा, लोकसभा जीत जाएंगे जी पूरा। बिहार में तेजस्वी यादव कितने सीट जीतेंगे? 26 सीट है उनके पास, पूरा का फुल जीतने का चांस है उनको, 40 जीत जाएंगे। नीतीश कुमार केवल का रोजगार, मतलब नीतीश का कुछ नहीं, 20 साल से उतना साल रोजगार दे रहा है वो, कुछ नहीं है नीतीश कुमार। अच्छा, तो रोजगार कौन दे रहा है? उतना साल तेजस्वी यादव किया, उतना महीना किया, रोजगार अधिक कर दिया पूरा, दो तीन ने कितना मैंने इतना लाख दे दिया रोजगार। अच्छा, उतना ही दिन में 18 साल से जो नीतीश कुमार काम कर रहा है, कहाँ रोजगार दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है वो, अब की हारेगा पक्का, कुछ। अच्छा, पक्का हार जाएगा। हाँ, अब की एको सीट नहीं जीतेगा उनको। तेजस्वी यादव जो कहते हैं 17 महीने में हमने रोजगार दिया, लेकिन सीएम कहते हैं कि हम सीएम है तो रोजगार हमने ना दिया जी। रोजगार वो सीएम पहले कहाँ ना दिए, 18 साल में क्या कर रहे थे? 18 साल में मैंने वो क्या कर रहे थे? वो 18 साल में, 18 साल में कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। जैसे पहले देना चाहिए था। अच्छा, पहले कहीं नहीं दिए, जब महागठबंधन में आए तब इधर दिए रोजगार, जब तेजस्वी साथ आए तब दिए रोजगार। वो तो शुरू में बोले थे कि नौकरी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, उतना मतलब पैसा ही नहीं है। नौकरी कहाँ से लाएगा? अपने बाप घर से लाएगा, तेजस्वी को बोला था। तो जब साथ आया तो कैसे दिया? तो तेजस्वी ने दिया उसको। अच्छा, एनडीए 40 सीटें जीतेंगे या तेजस्वी यादव जो महागठबंधन में है? महागठबंधन जीतेगी, महागठबंधन पूरा फुल जीतेगा महागठबंधन। अभी बेरोजगारी दर का रिपोर्ट आया है, 83% युवा बेरोजगार अभी बता रहा है। हाजीपुर से ये चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान। जम्मू से क्यों नहीं लड़े? उनको पता है इस बार हारेंगे वहाँ जम्मू से, वो अपना जीजा जी को उतार रहे हैं वहाँ। हम सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ बोला था कि हम रेल देंगे, मतलब रेलगाड़ी मतलब लाएंगे, नहीं लाया है। इसी के डर से जम्मू से चिराग पासवान ने लड़े हैं कि हम हार जाएंगे। उसको एकदम लग रहा है 99% वो हार जाएगा वहाँ से, इसलिए वो अपने जीजा जी को उतार दिया। और हाजीपुर से? हाजीपुर से पता नहीं उनके बारे में, हाजीपुर से भी जाएंगे वो। हाजीपुर से भी जाएंगे। एनडीए का सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ हो जाएगा, एनडीए का सुपड़ा साफ, थोड़ा सा बचा है वो भी साफ हो जाएगा लोकसभा में। सपना जो देखा है 400 पार, वो एकदम पूरा ध्वस्त हो जाएगा। 400 पार कुछ नहीं कर पाएगा वो। बिहार में कितनी सीटें है? बिहार में इस बार वो 40 का 40 ले जाएगा वो महागठबंधन। खाता ही नहीं खुलेगा एनडीए का, खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ रोजगार रोजगार और स्कूल के बारे में कुछ बोले भी नहीं करते हैं, सिर्फ बोलेंगे कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर में खाली, और हिंदू मुसलमान खाली पूजा करने के लिए जाएंगे। ये इसमें शिक्षा पर कितना परसेंट दिए हैं, बजट पास किए हैं? लगभग 2.5% है, देख रहे हैं क्या होगा शिक्षा का हाल। मूर्ख बना करके जनता को रखेगा और राज करेगा, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो वही बनाया ही जा रहा है। शिक्षा पर कितना परसेंट बजट दे रहे हैं? तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव के नए गाने पर जनता का क्या राय है, जनता इस पर क्या सोचती है, आप इस गाने पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, वीडियो देखने के लिए आपका।